भगवान बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और संत शिरोमणि श्री रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए आज हमारे बीच में अखिल भारतीय रविदासीय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री सुखदेव महाराज जी और यहाँ पर इस सारे कार्यक्रम को देख रहे आदरणीय महाराज सतीश जी और उनकी टीम के सारे साथी और मेरे समाज के सभी महिला पुरुष मेरे भाई और आप सभी को मेरा जय भीम और संत रविदास जी के चरणों में नमन। मैं एक वकील हूं, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं और राजनेता हूं और मैं परम आदरणीय पूज्य संत शिरोमणि जी की उस बात से अपनी बात रखूंगा आपके बीच में जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सम रहे रहे गुरुदास गुरु रविदास प्रसन्न। साथियों, अब से 600 साल पहले संत शिरोमणि रविदास जी ने अगर ये बात कही कि ऐसा चाहो राज में मिले सबन को अन्न, इसका महत्व हमें समझना होगा। और पूज्य गुरु जी ने श्री सुखदेव महाराज जी ने भी थोड़ी देर पहले अपने विचारों में जब हमें वो बता रहे थे तो ये बात बहुत ढंग से बताई कि राज ऐसा होना चाहिए, लेकिन तब से लेकर आज तक लगातार चला आ रहा है संघर्ष हमारा, संत शिरोमणि रविदास जी ने किया। और उस जमाने में जिस समय कोई हिम्मत नहीं कर सकता था, संत शिरोमणि जी ने अपनी बात भी ये कहकर कही, कह रविदास चमारा। आज लोग चमार कहने में अपने आप को डरते हैं, लेकिन अब से 600 साल पहले उन्होंने कही, कह रविदास चमारा। हमें ऐसा संत मिला, हमारा गर्व है, हमें गौरव है कि हम ऐसे समाज में जन्मे जिस समाज में ऐसे संत हुए जिन्होंने 600 साल पहले होकर निडरता होकर निडरता पूर्वक ये कहा, कह रविदास चमारा। और साथियों, जब उन्होंने कहा कि ऐसा राज, तो राज हमें ऐसा ही चाहिए साथियों, और राज अभी तक ऐसा है नहीं। हमारे देश में आज भी 3 लाख लोग हर साल भूख से मर जाते हैं, 3 लाख लोग भूख से मर जाते हैं, 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीते हैं, 14 करोड़ लोग हमारे देश में बेरोजगार हैं। मोदी सरकार बड़ा ढोल पीटती थी, 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी देने का, लेकिन जो कार्यक्रम चलाया उसमें 4 करोड़ युवा जो नौजवान हैं उनके रजिस्ट्रेशन के बावजूद मात्र 2.5 साल में 2.5 लाख लोगों को रोजगार दे चुके, सिर्फ 2.5 लाख लोगों को। तो जहां सरकार ऐसी हो, जहां लोग ऐसे हो कि हमारे संतों की वाणी भूल गए हो, उन्होंने जो हमें कहा, दिशा निर्देश दिया राजनेताओं के लिए कहा, उसे सब भूल चुके हो, तो हालत कितने गंभीर होंगे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होके आदरणीय गुरु जी का, सुखदेव महाराज जी का मुझे आशीर्वाद मिला और हम सब उनके दिशा निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर बहुत तरीके से काम करने का प्रयास कर रहे हैं। जलंधर में मीटिंग हुई, मैं वहां भी गया, पूरा कोरेगांव में जो हुआ मैं वहां भी गया। हम लगातार काम कर रहे हैं कि किसी तरह से ये व्यवस्था बदले साथियों, क्योंकि इस व्यवस्था में सबसे ज्यादा पीड़ित हम हैं। और इसका अंदाजा आपको इस बात से लग जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जब सीनियर मोस्ट 4 जजेस ये बात कहें कि देश का लोकतंत्र खतरे में है और देश का चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, अपनी मर्जी से जो चाहता है वो कर रहा है, हालात कितने गंभीर होंगे इसका अंदाजा आपको हो जाना चाहिए साथियों। मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। आज संत रविदास जी का 641वां जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं, लेकिन मैं उस सबके बावजूद भी
यहां जो बात कर रहा हूं समाज की बात कर रहा हूं, राजनीति की बात कर रहा हूं, ये मैं नहीं जानता कि समय कम मिलेगा नहीं मिलेगा। आज दूसरी बार मुझे यहां आने का मौका मिला। पहले एक साल पहले जो कार्यक्रम हुआ आदरणीय संत समन दास साहब के आदेश पर, उनका जो कार्यक्रम था मैं उसमें आया था और मैं इसी में ठहरा था। जो महाराज जी है सती जी, उन्हीं के यहाँ पर मैंने लंगर लिया था, भोज लिया था, और आज सुप्रिया महाराज जी के माध्यम से मुझे दोबारा यहाँ आने का मौका मिला है। साथियों, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, लेकिन मैं इस मौके को जो आपके लिए बहुत जरूरी है, जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उसी बात को कहना चाहता हूँ, उसी के लिए मैं आया हूँ। क्योंकि साथियों, हमें हमारे हर भाई हर साथी को रोजगार चाहिए, हमारे हर बहन बेटी की इज्जत आबरू की रक्षा चाहिए, हमें हर चीज में हिस्सा चाहिए, और ये भीख नहीं मांगनी, ये हमें अपने हाथ से लेना है। साथियों, इसी को मैं कहने आपके बीच में आया हूँ और मुझे आदेश भी हुआ है, और इसी बात को मैं आपके सामने रख भी रहा हूँ। साथियों, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मौका फिर कभी मिलेगा फिर आपके बीच में आऊंगा, लेकिन एक बात सोचना आपको है, साथियों समझना आपको है। बहनों, पति जी जो कहते गई है, मैं उस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। ये लोगों का प्रचार है जो हमें कहते हैं कि एक पौवे पर और एक मुर्गे की टांग पर बिछोते हैं। मैं कहता हूँ किसमें इतना दम है, जरा खरीद के देखे हमें, एक पौवा के दुनिया की सारी दौलत रख के दिखाए हमें, खरीद के उसके पास। ऐसा नहीं है बहन जी, कुछ लोगों को कहकर पूरे समाज को बदनाम किया जाता है। हमारी जिम्मेदारी यह है, जो समाज के लोग हैं, अग्रणी लोग हैं, इस व्यवस्था के खिलाफ बोले, इस व्यवस्था को बदले। दो चार लोगों से पूरे समाज का पता नहीं लगता है। साथियों, हमें इसकी टक्कर देनी है, और जो राजनीति में है लोग, जो समाज में है, उनका एक कर्तव्य है कि उन्हें इन बातों का विरोध करना चाहिए, पुरजोर विरोध करना चाहिए, और समाज को इकट्ठा करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समझ दिया। जय भीम, जय भारत, जय संत रविदास जी महाराज।